हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, यानी कि एक ऐसा डिस्काउंट जो हमें हमारे सप्लायर्स द्वारा इनवॉइस में ही दिया जाता है। यानी कि जब हम किसी कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं तो उस कंपनी द्वारा हमें कुछ छूट दी जाती है, और वो छूट यानी कि वो डिस्काउंट उसी टैक्स इनवॉइस में ही लेस हो जाता है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये इनवॉइस में दो टाइप के होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट जो कि टैक्स की जो अमाउंट होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स अमाउंट या आईजीएसटी भी हो सकता है, जो टैक्स की अमाउंट से पहले लगा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये जो डिस्काउंट हमें मिला हुआ है, ये इस एसजीएसटी और सीजीएसटी की अमाउंट से पहले लगा हुआ है। और एक जो इनवॉइस हमारे सामने ये है, इस टाइप का है, इसमें जो डिस्काउंट हमें मिला हुआ है वो एसजीएसटी सीजीएसटी के अमाउंट के बाद में हमें मिला हुआ है। तो क्या डिफरेंस होता है अगर ये डिस्काउंट सीजीएसटी एसजीएसटी के अमाउंट से पहले लगाओ या बाद में लगाओ, और इसकी एंट्री हम टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रूप से किस तरीके से करेंगे, तो फ्रेंड्स ये सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को कोई टेली बिजी या अकाउंट्स का कोई फ्रेशर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि उन्हें ट्रेड डिस्काउंट का जो मतलब होता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और उसकी जो जर्नल एंट्री वो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो, टेली वीजी या अकाउंट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करनी होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है बालाजी ट्रेडर्स के नाम से। और टेली में कंपनी क्रिएट करने के जस्ट जो बाद में जो पहला हमारा काम रहता है वो रहता है जीएसटी को इनेबल करना। और जीएसटी इनेबल कैसे की जाती है, इसके लिए हम गेटवे टेली पे आके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 प्रेस करने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रेजरी एंड टैक्सेशन का, इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे। और इंटर प्रेस करने के बाद हमें पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। जब हम टेली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, हालांकि मैंने इसको यस ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अगर आपकी कंपनी में नो रहता है तो आपको भी इसे यस करना पड़ेगा। अब इसे यस करने के बाद में जो इसकी जीएसटी की डिटेल है उसे भी हम यस करेंगे। उसके बाद हमें जो हमारी जीएसटी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी कि हम कंपोजिशन डीलर हैं या रेगुलर डीलर हैं, और हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर क्या कुछ है, हम जो रिटर्न जीएसटी R1 है वो क्वार्टरली जीएसटी R1 रिटर्न फाइल करते हैं या मंथली करते हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद ही करना होता है, और इसे हम इंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उस वाउचर्स की टैली में एंट्री करने से पहले एक बार उस वाउचर्स को हम समझ लेते हैं। तो ये वाउचर हमारे सामने है, श्री श्याम ट्रेडर्स द्वारा इशू किया गया है, यानी कि बालाजी ट्रेडर्स को। बालाजी ट्रेडर्स का नाम जो बायर्स में है, इसका मतलब ये जो पार्टी है परचेजर है, और श्री श्याम ट्रेडर्स है वो सेलर है, और यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर है 001। तो ये इसके प्रोडक्ट की डिटेल है, दो प्रोडक्ट हमने इसमें परचेज किए हुए हैं, एक 28% का प्रोडक्ट है और एक जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है। ये इसकी क्वांटिटी है, और ये 109.38 रुपये पर पीसेस का रेट है, और ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट बन चुकी है। और इस इनवॉइस में जो डिस्काउंट हमें लगा हुआ है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट से पहले लगा हुआ है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसकी अमाउंट से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा भी ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी जो टैक्स जो चार्ज लगा है वो कौन सी अमाउंट पे लगा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसकी जो डिटेल है इस पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 14% का जीएसटी यानी कि 28% का जो हमारा प्रोडक्ट है, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी जो चार्ज हुआ है, वो चार्ज हुआ है हमारा 1082.86 रुपये की अमाउंट पर। अगर इसकी हम टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है 1093.80 रुपये की, और जो टैक्स लगा है वो 1082 पे लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो लेज़र क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी भी डिस्काउंट ऑन 28% प्रोडक्ट 1% का, यानी कि ये जो 1093 में से ये 10.94 रुपये की जो अमाउंट है वो लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी 1082.86 रुपये की, उस अमाउंट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होएगा।
इसी तरीके से 18% वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू की बात हम करें, ओरिजिनल जो टैक्सेबल वैल्यू है उसकी, वह 3389.80 रुपये की। और इसका जो हमें 0.5% जो डिस्काउंट मिला है 16.95 रुपये का, और जो टैक्स जो हमें लगा है वो 3372.85 रुपये पे 9% का CGST और SGST टैक्स लगा हुआ है। यानी कि जो हमारे टैक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी बनेगी, वो ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू में से जो हमारा डिस्काउंट है वो लेस होने के बाद में हमारी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर काउंट होएगी, और उसके बाद हमारा SGST और CGST चार्ज लगेगा। तो ये था इनवॉइस। अगर हमें CGST और SGST से पहले अगर कोई डिस्काउंट लग के आता है तो, और जो सेकंड इनवॉइस था, हालांकि इस इनवॉइस की अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 5366 रुपये इसकी वैल्यू बनती है, और इसमें CGST और SGST का चार्ज है वो 455.16 रुपये और 455.16 रुपये का है। अब हम बात करते हैं सेकंड इनवॉइस की। अब इस इनवॉइस में जो डिस्काउंट है, हालांकि जो सिर्फ ओनली इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है, इसमें दो नंबर इनवॉइस है, सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वांटिटी है, और सेम इस पर रेट लगा हुआ है, और इसमें जो डिस्काउंट जो लगा हुआ है वो SGST CGST की अमाउंट के बाद में लगा हुआ है, और यहाँ पर जो CGST और SGST जो चार्ज किया हुआ है वो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू जो बन रही है टैक्सेबल वैल्यू 1093.80 रुपये, वो इस पर टैक्स लगा हुआ है उसी अमाउंट पे, यानी कि 1093 रुपये पे 14% CGST और 14% SGST लगा हुआ है। और ये जो डिस्काउंट हमें जो लगा हुआ है वो जो टैक्सेबल अमाउंट और SGST CGST लगने के बाद में हमें डिस्काउंट लेस किया गया है, और इसकी जो इनवॉइस की जो वैल्यू बनेगी वो 5372 रुपये है, और यहाँ पे जो CGST और SGST के अमाउंट है वो 458 रुपये है, और जो हमारा इनवॉइस नंबर 001 था, यानी कि SGT CGST से पहले अगर डिस्काउंट होता तो हमारे यहाँ पे 455 रुपये का CGST लगना था। और अब हम इसकी टैली में एंट्री किस तरीके से करेंगे, दोनों तरीकों को हम अलग अलग तरीके से एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बिफोर डिस्काउंट की, यानी कि SGT CGST पहले अगर हमें कोई इस टाइप का इन्वॉइस हमें देखने को मिल जाए, या ऐसा इन्वॉइस हमारे अकाउंटिंग वर्क करते समय अगर इन्वॉइस आ जाए, यानी कि बिफोर SGT CGST टैक्स के, तो इस टाइप की वाउचर की इंटरम टैली में कैसे करेंगे, तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर पर, और अकाउंटिंग वाउचर पर जाने के बाद हमें परचेज वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सब वाउचर नंबर था 001, और इस वाउचर्स की जो डेट है वो है 22 अगस्त 2020 की, तो वो हम टैली में F2 से हम डेट चेंज करेंगे, तो 22 अगस्त यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इनवॉइस नंबर भी हम सप्लायर्स की 001 दे देंगे, और पार्टी का नेम है जो श्री श्याम ट्रेडर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेजर क्रिएट करके रखा हुआ है, और एज पर इनवॉइस के हिसाब से जो पहला जो प्रोडक्ट था हमारा क्लिनिक प्लस शैम्पू, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 पीस। अब यहाँ पर जो रेट हमें देना पड़ेगा वो रेट हम कौन सा देंगे, क्योंकि अब जो डिस्काउंट अगर CGST और SGST से पहले लगा हुआ है तो ये जो अमाउंट होती है डिस्काउंट की वो हम उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ही कम कर देते हैं ऑलरेडी। अब मान लीजिए अब तो हमें एग्जिट पता लग रहा है भी इसके अंदर 1% का डिस्काउंट है और 18% वाले में 0.5% का डिस्काउंट है। अगर ये परसेंटेज का इशू ना होता और डायरेक्टली हमें राउंड फिगर में अगर अमाउंट यहाँ पे लेस कर दी जाती भी 11 रुपये इस अमाउंट में से लेस होंगे या 17 रुपये इस अमाउंट में से लेस होंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज का कोई वर्क नहीं था। अभी जो एक जो परसेंट जो यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट आ रही है वो इस वैल्यू पे 1% चार्ज हो रहा है, और जो 0.5% का जो डिस्काउंट चार्ज हो रहा है वो इस अमाउंट पे हो रहा है। तो इसके हम टैली में दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो रेट जो टैक्सेबल रेट हमारे सामने आ रहा है इसका 109 रुपये और 38 पैसे, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे 109 रुपये और 38 पैसे, और इस पर जो डिस्काउंट लगा हुआ है वो 1% का लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको 1% करेंगे तो इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 1082.86 रुपये ऑटोमेटिक ही बन जाएगी, जिसपे टैक्स चार्ज होना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 1082.86 रुपये, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। अब ये तो था अगर हमारा
किसी परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट हो, अगर हमारे ये राउंड फिगर में अगर डिस्काउंट होता तो हम यहाँ पे 1% नहीं देते, तो उसकी कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पर जीरो करके, और जो जितनी हमारी टैक्सेबल अमाउंट में से जो डिस्काउंट हमें लेस हुआ है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 11 रुपये होते इस 1% की जगह, 1% नहीं होता और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो सीधा राउंड फिगर में अगर 11 रुपये होता, तो हम 1,93.80 में से 11 रुपये लेस करने के बाद जो अमाउंट बनती थी हमारी, जो बननी थी उस अमाउंट को हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब तो हमारे सामने 1% हमें पता है भी डिस्काउंट लगा हुआ है, तो 1% ऑटोमेटिकली ये काउंट कर लेगा। तो ये कॉस्मेटिक 18% की परचेज हमारी लोकल की है, तो हम लोकल में सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से दंतकांति टूथपेस्ट क्वांटिटीज की 20 है और इसका ए का जो रेट है टैक्सेबल वो 169.49 है, 69.49, और इस पे जो डिस्काउंट मिला हुआ पॉइंट है 5% का है। तो इस तरीके से जो टैक्सेबल अमाउंट है हमारी वो 4455.71 रुपये बन चुकी है, और वही हमारी इसी में भी 4455.71 रुपये वो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी। तो इस तरीके से इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीएसटी टैक्स और 3 पैसे जो हमारे राउंड ऑफ हो जाएंगे -0.03। तो इस तरीके से जो इस इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 5366 रुपये बन जाएगी, और वही जो वैल्यू हमारी 5366 रुपये की जो वैल्यू एज पर इनवॉइस के हिसाब से भी यही आ रही है। और अब हम बात करते हैं हमारे इनवॉइस नंबर 2 की, यानी कि अगर हमें डिस्काउंट है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के बाद में अगर लग के आता है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वाउचर को हम सेव करेंगे और उसके बाद में इनवॉइस नंबर 002 और यहाँ पर भी 002 और ये भी हमने श्री श्याम ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया हुआ है, सेम ही जो प्रोडक्ट है क्लिनिक प्लस शैम्पू 10 पीस रहेंगे और 109.38 रुपये जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर डालेंगे। अब हमें डिस्काउंट इस इनवॉइस के हिसाब से यहाँ पर पहले नहीं लगा हुआ है, ये डिस्काउंट है जो बाद में लगा हुआ है, इसलिए जो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी 1,93.80 रुपये ही रहने वाली है, और वही हमें यहाँ पर 1,93.80 रुपये ऑटोमेटिक ही आ जाएगी जब हम 10 पीस की 109.38 रुपये पर पीस के हिसाब से अगर इसका रेट डालेंगे। तो लोकल की परचेज है, इसी तरीके से दंत का 20 पीस और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा 169.49 और वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने उठा लिया है, तो इसके टैक्सेबल अमाउंट भी सही बनेगी। अब जो टैक्स लगेगा अब यहीं पे लगेगा इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीएसटी टैक्स। अब जो डिस्काउंट हमें मिला हुआ है वो डिस्काउंट, अब उसका जो डिस्काउंट का लेजर है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, हालांकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है डिस्काउंट्स ऑन 18% गुड्स और डिस्काउंट ऑन 28% गुड्स, ये दो लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, अंडर में रहेंगे ये इनडायरेक्ट इनकम के, और इस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो नॉट एप्लीकेबल रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब ये डिस्काउंट ऑन 28% जीएसटी पे जो हमारा मिला हुआ हमें वो हमें मैनुअल रूप से यहाँ पर अब टाइप करना पड़ेगा वाउचर में से देख के, और जो 28% का जो डिस्काउंट है वो हमारा 10.94 रुपये का। तो सबसे पहले मैं -10.94 रुपये, इसी तरीके से डिस्काउंट 18% का रहेगा और जो 18% का जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो है 16.95 रुपये की, तो -16.95 रुपये। तो इस तरीके से राउंड ऑफ हो जाएगा हमारा 14 पैसे, तो -0.14। तो इस तरीके से जो इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है वो 5372 रुपये आ जाएगी, और अगर इनवॉइस की हम बात करें तो इस इनवॉइस में भी 5372 रुपये ही है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है जीएसटी बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी डिस्काउंट में। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।